मुझे जान मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, चुप रहने की धमकी दी गई और मैंने सचिवालय थाना को लिखित दे दिया है। डरने वाले हम, डरेंगे तब तो, जो डर गया वो मर गया। आतंकवादी, ISI, गजबा हिंद के मानसिकता के लोग इस देश पर कब्जा होना चाहते हैं, इसको कब्जा नहीं होना देंगे। क्या लगता है कि जो आपने FIR की है उस पर कार्रवाई होगी? निश्चित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिव। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के सचिवालय थाने के बाहर और हमारे साथ BJP के विधायक हरिभूषण ठाकुर बोचौले। सर, क्या कुछ मामला है जो आपने FIR दर्ज कराया है? रात 7:07 पर एक कॉल नंबर है +14 +14 24 25 45 6 7 9 से 42 सेकंड बात किया, मुझे जान मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, चुप रहने की धमकी दी गई। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, इसका मुकाबला करूँगा और मैंने सचिवालय थाना को लिखित दे दिया है। ठीक उसी समय दीनानाथ यादव की मेरे क्षेत्र में दुकान भी जिहादियों ने लूट लिया है, यही मैं दिया हूँ सूचना। तो क्या लगता है कि सर कि आपको क्यों धमकी मिली है? अभी तो जाने धमकी देने वाला बोलता है, जी आप क्या बोलते हैं, नमाज पर बोलते हैं, राष्ट्रगीत पर बोलते हैं, बोलना बंद कीजिए। क्या लगता है कि सर आपने कुछ दिनों पहले बिहार में भी यह मांग की थी कि रोड पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसी को लेकर? इन्हीं सब बातों को लेकर डरने वाले हम, डरेंगे तब तो, जो डर गया वो मर गया। लड़ेंगे, चूंकि यह देश हमारा है, इस देश को आतंकवादी, ISI, गजबा हिंद के मानसिकता के लोग इस देश पर कब्जा होना चाहते हैं, इसको कब्जा नहीं होना देंगे। क्या लगता है कि जो आपने FIR की है उस पर कार्रवाई होगी? निश्चित होगी। और ये मामला आप मुख्यमंत्री और विधानसभा सबको बोलेंगे। कल आपके क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री का दौरा है, जाकर के उनको कहेंगे, जा रहे हैं अभी, वहीं जा रहे हैं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि BJP के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, पटना के सचिवालय थाने आए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने FIR दर्ज किया है और इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कल देर शाम इनके पास एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, लगभग 42 सेकंड बात होती है और इन्हें धमकी दिया जाता है कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम जिस तरह से अपना विवादित बयान देते हो उसको लेकर इनको लगा है कि जान के खतरा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज ये पटना के सचिवालय थाने में FIR दर्ज कराने आए हैं तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। मुझे जान मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, चुप रहने की धमकी दी गई और मैंने सचिवालय थाना को लिखित दे दिया है। डरने वाले हम, डरेंगे तब तो, जो डर गया वो मर गया। आतंकवादी, ISI, गजबा हिंद के मानसिकता के लोग इस देश पर कब्जा होना चाहते हैं, इसको कब्जा नहीं होना देंगे। क्या लगता है कि जो आपने FIR की है उस पर कार्रवाई होगी? निश्चित होगी। जान मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, चुप रहने की धमकी दी गई।